बरौनी सिटी तेघरा प्रखंड अंतर्गत फुलवरिया थाना परिसर में थाना प्रभारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान ईद को लेकर विभिन्न बातों पर चर्चा की गई और लोगों से ईद पर्व के दिन शांति एवं भाईचारे से ईद मनाने की अपील की गई। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं बुद्धिजीवियों से थाना क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न मस्जिद ईदगाह ईद की नमाज करने के दौरान आपसी सद्भाव के साथ पर्व सम्पन्न करने को लेकर कहा गया। वहीं फुलवरिया दरगाह मोहल्ला स्थित पुरानी ईदगाह के बगल में जो रोड है उसे 7 बजे से नो एंट्री लगाने के लिए भी प्रशासन से कहा गया और प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया कि उस दिन नो एंट्री लगा रहेगा। मैं इस संबंध में तेघरांचल पदाधिकारी परमजीत सिरमौर ने लोगों से आपसी भाईचारे के साथ ईद मनाने से लोगों से अपील की। वहीं इस मौके पर उपस्थित फुलवरिया 2 पूर्व मुखिया पति अरविंद चौधरी, पूर्व जिला पार्षद सिकंदर अली, समाजसेवी सुबोध सिंह, 12 पूर्व मुखिया पंकज और बुद्धिजीवी पत्रकार बंधु उपस्थित थे। बीएनपी न्यूज के लिए तेघरा से संवाददाता मिराज आलम की रिपोर्ट। आज ईद को लेकर शांति समिति की बैठक की गई फुलवरिया थाना के अंदर, फिर किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी ईद के दिन? यहाँ ईद के समय और ईद के पूर्व रात में प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत सतर्कता की जरूरत है। तो ईद से पिछले रात में जो मेला टाइप का या लोग खरीदारी करने जाते हैं तो उसमें प्रशासन की चौकसी रहेगी, हमेशा पेट्रोलिंग का व्यवस्था रहेगा। और दूसरे दिन ईदगाह के समय यहाँ विभिन्न जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस बल की व्यवस्था है। प्रशासन हमेशा चौकस है, उसके लिए सतर्क है और इसी तरह से ईद का शुभकामनाओं के साथ।